टीचर साहब, पहले के जमाना में अब के जमाना में कितना अंतर हो गई। पहले के जमाना में जब शादी ब्याह होखे तो मर्द मेहरारू के मिले में राम केवल बाबू। अरे बाप रे बाप, एको साल बीत जा आ ये घड़ी कहीं नावका लइका जोन बड़ा सा एकदम छिछोरा बड़ा सा बुढ़िया के मुंह वाला तो रख के पार हो जाता है। पहले ही टाइम फिक्स हो जाता कि हेतना बज के हेतना मिनट पर चाहे माई होके बाबूजी होकस भैया होके परिवार के सब लोग होके लेकिन हेतना बज के हेतना मिनट पर लइका के अंदर ढोके के बा माई दुआरी पर सुतल बड़ी मुड़ी पर लात धो दी हस आ मुड़ी पर लात धो के हेल जी हस माई से उड़ा के रह जाई ए घड़ी के लइकावा ई नहीं खस देखत कि घर परिवार के लोग बा। अच्छा तो सजवे घुस जातन स कौनो दुलहिन बड़ा परेशान बिया ओकर मर्द एकदम घाचाक मिल गेल बा। यही हमरे मंटू कवि ऐसा जब दो चार सीसी लगा लेता या गच दे लड़िया जाओ राइट क्या बोल रहा है। अच्छा तो लुड़ियाई को दिन जाई के सजवे सूत गई बेचारी जगावती या कहती या का उठिए बलमुजी उठिए बलमुजी तंडी बहरी जराइए जी जैसे कतिकवा के बैला हो जल जगावतिया खोदतिया का कहतिया उठिए बलमजी तंडी बहरी जराई हमरा चोलिया हमरा चोलिया ने जाने दुनी बही का समाई बाबूजी हम गायिका मीरा मूर्ति सब भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। हमरे आवाज में आप सबके बीच में एक बड़ा ही सुंदर बिरहा जाता भीएम एंटरटेनमेंट के माध्यम से आज हमरे मालिक महोदय कैसन कृपा भइल आदेश भइल कि रउआ सबके बीच में हम बिरहा गावतनी ऐसे ही आप लोग के आशीर्वाद और दुलार प्यार ए चैनल पर बनल रही। कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं कैसे बहादुर तो गाथा हमारी है अरे गाथा हमारी है नाता हमारी है अरे विधाता हमारी है नारी के चलते शक्ति की सागर प्ररकम की नागरी अरे करोड़ों दिए यादि शक्ति के जलते चांद की चांदनी वेद की रागिनी अरे सकल मेदिनी करती नारी की पूजा मीरा गाया कभी
जगत बंदिता है, संसार में और कुछ भी न दूजा। बिरहा कंदर बड़ा सुंदर मास्टर साहब कौआली के भाव लिखल गई। आए हाय रे, एक आशिक अपने मासुआ की तरफ देखा, कौनो लैला अपने मजनू की तरफ देख के इशारा कैलन, हलो हलो माई डार्लिंग, जरा इधर में नजर मिलाते रहिए। इशारा में कहा, क्या कहा? अरे दिल चीज क्या है आप मेरे, दिल चीज क्या है आप? सिर्फ एक बार मेरा कहा, अरे मान लीजिए, लेकिन ऐसे बढ़िया भाव हमारे गुरुजी लिखलन का, अरे पत्थर को कभी भूल से, पत्थर को कभी भूल से, अरे तोड़ा न कीजिए, कागज को कभी आग से, कागज को कभी आग से, अरे जोड़ा न कीजिए, सुने वाला हमरे भैया चाचा लोग तनी बिरहा पर ध्यान देव, कहानी के ही जैसे शुरुआत हो गई। बिरहा कंदन नजम के लाई लिखल गई बहादुर। दस कंधर को मिटा कर जब राम अवधी आए, दस कंधर को मिटा कर जब राम अवधि आए, वशिष्ठ कुल गुरु जी संदेश सुघर पाए, करवाए राज तिलक राम राज बन गए, करवाए राज तिलक राम राज बन गए, शासन की बाग डोर धरे कुछ ही क्षण भये, आये विभीषण लंका से थी दीन अवस्था, आये विभीषण लंका से थी दीन अवस्था, रो रो के प्रभु राम से बतावे व्यवस्था, कहानी के समझ लिए बाबू। ये कहानी उस समय के बाद
जौना गरी भगवान पुरुषोत्तम राम दस कंधर को मिटा करके लंका पे विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आते हैं तो भगवान राम को राजा बनाया गया और शासन की बाग डोर धरे कुछ ही क्षण हुआ था, कुछ ही दिन बीतल कि बैठक भइल और वही बैठक में सारा लोग आपन आपन दिल के बात सुनावे लगलो। भगवान राम कभी राजा बनले कुछ दिन भइल बा आ तब तक उसी सभा में विभीषण भी पहुंचते हैं और पहुंच करके भगवान राम के सामने रो रो करके एक बात बताने लगते हैं, विराम गीत लिखते हैं कवि जी। मास्टर साहब कौनो दुलहिन बड़ा परेशान बिया, ओकर मर्द एकदम घचाक मिल गेल बा। यही हमारे मंटू कभी ऐसा जब दू चार सीसी लगा लेता गच दे लड़िया जाओ। राइट, क्या बोल रहा है। अच्छा तो लुड़ियाई को दिन जाई के सजवे सूत गई बेचारी जगावती या कहती का उठिए बलामू जी उठिए बलमु जी तंडी बहरी जराइए जी तोहर माटी लागो जब है ना तब जी दू चार सीसी तो मां पे लदो गलाऊ या पोरा ने टाइट हो जाता रा हौ बरधा जोन होला सो ओहनी ऐसन के तम लुड़िया जतड़ जैसे कतिकवा के बैला हो जलो सो सोकना जगावती या खोदती या का कहतिया उठिए बलम जी तंडी बहरी जराई हमरा चोलिया में हमरा चोलिया में जाने दोनी गोही का समाई तनी भाव पर ध्यान दे कवि जी लिखलन का अरे सुनिए हरी जी सुनिए हरी जी हमर जिंदगी नसाई अरे सुनिए हरी जी हमर जिंदगी नसाई मोर भक्ति रोतन आ रो के बतावतन का लड़का कुंभ करके मुल्का सूर्य गहरियावता हमके बहुते सतावता फिर जानकारी धेनु बनावा उठाई आबरू बचाली प्रभु लड़का कुंभकर्ण के मुल्का सुर हमके जबे देखता कहीं भी एकांता पावता
तो लागत अगर आवे हे प्रभु हमके कुल द्रोही कहता, हमर आबरू आपे के हाथ में बा, जल्दी हमर आबरू बचा ली प्रभु। भगवान पुरुषोत्तम राम जब इस बात को सुने हैं तो देखे उस समय करते हैं क्या, बिरहा में कबीर जी गीत लिखते हैं बहादुर। अरे ए हपार गंगा माई हो, आओ हपार जमुना हो, यह पार गंगा माई हो, वह पार जमुना हो, बिछवे में केवट मोरे रजलू डेरवा डलुए हो, कंदर लिखना पड़ा क्या, लिहले संहारी हारी, लिहले संहारी हारी, तरकसी से बहना हो, कसी से बनावा हो, कार्य माया दनवा रघुबर लंका चल ले हो, कार्य माया दनवा रघुबर लंका चल। भगवान पुरुषोत्तम राम हाथ में धनुष बाण उठा लिए और लड़ने के लिए जब लंका में पहुंचते हैं तो कवि को अंतरा के लाइन में लिखना पड़ा, अरे मुल्क सुर देखावे रानावा में वीर तैया, छाका छूटल बारामू कर लन गुनाह नावा हो, करे लल गुना नावा हो, लारे माया दानवा
राम जब लंका में पहुंचलन लड़े खातिर बाबू, प्रमाण बतावल गई कि 7 दिन लड़ाई भइल, लेकिन भगवान राम मुल्का सुर से पार ना पौलन। आ जब पार ना पौलन तो कबीर जी बिरहा के अंदर हमरे विदेशिया में भाव लिखलन बहादुर। अरे हिलल देवलो के देखी आ कठिन लड़ैया हो, राम अंतरियामी मारे छतिया में बना, लागल जब बाना गिरल लंका के नगरिया हो, ये बाबू होई के विवासी करे ब्रह्मा के पूजना, नंगे पाव धाये ब्रह्मा सुनी के पुकारिया हो, ए बाबू पूजावा से खुशी होई के अदिये बारा दाना, मारी नाही मर्द कोई अ दुनिया में तोहारा के, ए भैया जीते नहीं पाई कोई आ तोहारा से राना, पाके बरदान अभी मन में घुमाने चाला, ए भैया गर जाहे आके सिरी राम के समाना, तमाम बिरहा आप लोग सुने नहीं तनी ध्यान दे, ये अपने आप एक अनोखा बिरहा। भगवान पुरुषोत्तम राम जब 7 दिन लड़ाई कैलन आ जब हासिल लड़ाई ना भइल भगवान राम से, गुस्से में लाल होते हैं और गुस्से में लाल हो करके जब बाण चलाए, बाण सीना में लगल है बाबू, और लेकिन सीना में लगला के बाद भी तुरंत उसी वक्त मुल्कासुर ब्रह्मा जी के भक्ति में लीन हो गया। इतना लीन हुआ, इतना लीन हुआ कि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, बेटा मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, आओ जाओ मैं वरदान देता हूँ कि इस धरती पे तुझे कोई मर्द मारने वाला जन्म नहीं लेगा, जब भी मौत होई तो तुम्हारे मेहरारू के हाथ से होई, ये धरती पे कोनो मर्द ऐसा नहीं खो, कोनो माई ऐसा बेटा नहीं खे भी आई कि तोके मारी। अच्छा जब वरदान मिल गई तो जानते बनी जा, जब कोनो चीज पहले पहल मिलला तो जोर ना थाला, अब वरदान पागल तो लागल दे ही तोड़े, लागल दे ही तोड़े, जे ही भेटाई वही करे अलब, अगल रेलब बगल रेलब ऊपर रेलब नीचे रेलब, बीचावा में कहां रेली हो, जे ही भेटाई वही के निहुराई, निहुराई के पीछे से मारब ऐसा के होनी कि तुरंत मुहे माटी लोग ले ली हम, वरदान पा गई दे ही तोड़े लगल, जब तोड़े लगल तो कभी जे हमारे बिरहा के अंदर मास्टर साहब उहे गीत लिख दिलन, जौना गीत के हमारे गुरु जी के गुरु जी लोग गावत रहे लो, कैसे बहादुर ये हमारे घमंड नहीं खे, लेकिन जब भी मंच पर बिरहा होला
लोग कहे लो कि आज मीरावा संगे बिराहबा एही में कतना बिरहिया लोग कहे लो कि ऐसनो कलाकार बनस कैमरा के देखे लो से तो हई हो जला तो हऊ हो जला। हम दावा के साथ कहनी कि लड़ाई के मैदान में जब दो पहलवान उतरते हैं तो पहलवान उहे होला कि एगो पहलवान के जबर देख के सीना तान के आगे बढ़े। लड़ाई के मैदान में की तो पटकी ना तो पटकाई। अच्छा आजकल के तीन चार दिन के जौन गावे वाला बना सो ऊ कौन है भाव में गावत हम समाज चर्चा हो लेडीसवा तनी मनी छुआ वेली सो ऊ का कहली सो क्या रस्ता सुमार तनावा अरे ननदी अमार तनावा रे तनावा हई हो मारे ना अरिस्ता में हमार राम केवल जी देवर लगेलो तो हमारे अरे भैया के सरवा रे तनावा ए भाई भौजाइन के बने ला देवर लोग एमे तो आलो मत कटौती कर लो ये हमने के दोनों आदमी फरिया लिहल ले। लेकिन बिरहा के अंदर भाव दिहल गई बहादुर लड़ाई के मैदान में जीतल जाई तो देखल जाई ना तो हारल जाई तो फिर समझल जाई। एक तरफ भगवान राम और दूसरे तरफ मुल्कासुर में लड़ाई जारी है तो लिखना पड़ा क्या प्रगट भइले ब्रह्मा ताबू राम के समाना प्रकट होते हैं। भगवान राम प्रणाम की ओर जानना चाहते हैं कि प्रभु यह बताइए माजरा क्या है, ये लड़का जो बाण पे बाण मार रहा है और आपका नाम ले रहा है क्या कारण है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं क्या पूजावा से खुश होके दिहनी बारा दानावा से सारा सच्चाई बता देने कि हम ही वरदान दे देल बनी धरती पर कोनो मर्द ए लइका के मारे वाला एकर मौत ऐसे ना हुई। भगवान राम हाथ जोड़ के पूछनी कि ये सरकार कैसे मौत हुई। ब्रह्मा जी भी कुछ बोलत नहीं खन तो कवि जी बिरहा के अंदर टेरी लिख देलन बहादुर अरे मोरे राम अरे गहराई आधी सागर की हुई
तेरे गहराई आधी सागर की हुई, धरा भू धरा मेदनी बसधा धीर गवाई। क्या बात है अमर बाबू, इस समय में ई हाल बा? अरे बाप रे बाप, जवानी में तुहार का हाल हुई? खैर जाए दी, आप इलेक्शन लड़े वाला बानी, हमें इससे कुछ बोलत नहीं थी। गहराई आधी सागर की हुई, धरा भू धरा मेदनी बसधा धीर गवाई। गहराई आधी सागर की हुई, ब्रह्मा जी की बातों से रामचंद्र बलहीन हुए। अरे ब्रह्मा जी की बातों से रामचंद्र बलहीन हुए, तरकस के सारे बाण फेंक स्वयं विधाता दीन हुए। एक ऐसी समय आई है धर्म कर्म की बेला में, मरे गया अन्यायी कैसे ब्रह्मा से कहे अकेला में। हे प्रभु वरदान तो दे देले बड़ा के धरती पर कोनो मर्द के ना मारी, यही से तही करियावा दे तोड़ाता। इभार सक बना रहनी यार, कबो ये दाढ़ी पर कबो दाढ़ी पर छौकाता है। ये बताओ एकर मौत कैसे हुई? ब्रह्मा जी कलन एकर मौत ऐसे ना हुई, एकर मौत मेहरारू के हाथ से लिखल बा। भगवान राम जब इतना बात के सुननी है बाबू, तब बिरहा के अंदर तनी औरी पर्दा बढ़ा के चोलरिया कवि जी लिख दिलन। मुलाकात होला अनुरोध बाबू समझाई ला कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खे। पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़े ली ना, आ मीरा जब चढ़े ली तो मीरा जल्दी उतरे के आदत नहीं खे, उतरबे ना करी हो। तका मास्टर का जान लिया लगा विचार बा का आपो ईसन बात करी ला, इनका पर चढ़े कम बात करते नहीं। आ जहाँ तक ले चढ़े उतरे के सवाल बत घबराई मत जी, ये दोनों लकड़ी एक के हो, टेंशन नहीं लेने का। बस इशारा पाई गई नी, आई हम लोग इशारा से ऐसा मत चढ़ जाई को ही पर चढ़ले चढ़ले कौनो काम इशारा में होके। ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कैसे गाई लहा के, कमरिला चकनिया। अरे बारी उमर कमरिला चकनिया, बारी उमर कमरिला चकनिया, गोरी की जनी हुरी के अपनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। सुने वाला भैया लो, जब बिरहा में परिवर्तन भइल उस समय गीत निकलले रहनी एगो कैसेट के माध्यम से, हमार पहिल की शुरुआत रहल। अब वही कैसेट में गीत के गौले रहनी मास्टर साहब कैसे, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लइका सधिया भगवान राम मरला के कारण पूछे तनी कैसे मरी, ब्रह्मा जी बतावे लगलन का कैसे मरी बतावे ब्रह्मा, कैसे मरी बतावे ब्रह्मा, कैसे मरी बतावे ब्रह्मा, ई तो महतिया हो विपतिया कोई कतारे न करी है।
राजा बनते हो, अगर मारना है इसे तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, इसे कोई मर्द नहीं मार पाएगा। एक काम करना होगा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्या? अरे यमुना झूठे पानी चलावो, लड़ाई के मैदान में दिमाग के भी इस्तेमाल कर जला, ऐसे ही ना मराई। अगर मारे के बात जल्दी सीता के बुलावे को हुई, और जब तक ले सीता जी हन तब तक ले मराई। भगवान पुरुषोत्तम राम जब सुने तो उस वक्त करते हैं क्या विरह में कवि जी हमरे पापट के लाई लिखलन बहादुर। कृपान कठिन महारानी जंगी ज्वाला सजा के सेना रहे साथ में लखन लाल बलकरिया हो। अब भय से धरती कांप उठी, अब कैसे होई समरिया हो। अरे बनी काली का काल करे अगुआनी जंगी ज्वाला में, आ डोलर अंबर मरली बेग तूफानी जंगी ज्वाला। बात के जानकारी जब माई सीता के भइल, ए बाबू रणचंडी बन करके लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में मां सिया और साथ में लक्ष्मण जी वहीं पहुंचते हैं जहां की भगवान राम के साथ लड़ाई हो रही थी। और जब वहां सीता जी पहुंचती हैं तो कभी जी विरह के अंदर अल्लाह के अंदर भाव में लिखते हैं क्या बहादुर?
सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि जानते हो मैं कौन हूँ? हमको नहीं पहचानते हो, मैं वही मासिया हूँ जिनके चलते लंका में लड़ाई हुई थी, रावण का वध हुआ। यही नहीं, मैं वही मासिया हूँ। परचे नहीं जानते हो तो जान लो, हमारे चलते सोने के लंका जर के राख हो गई। अब की बार राख करे ना, पापी तुर बद्ध खरे खतियाइल बनी। अगर ये दुनिया में जियल चाहत रहे तो लड़ाई के मैदान छोड़ के हट जो। कहल आदमी की धन के बढ़ल ठीक है, लेकिन मन के बढ़ल ठीक। अगर दबेर पहलवान अगर पाए जाई तो कहल आदमी के बाबू हर रोग के इलाज बा। ओरिजिनल अगर पानीदार मर्द होके अगर बात के चोट लग जाए तो ओकर इलाज नहीं खे, गोलियों मारला से बेसी अखड़ेला। अच्छा तो इतना हरामी बाकी हटत नहीं खे, आ जब ना हटल तो कवि जी हमरे बिरहा के आखिरी भाव खड़ी लिखलन सीता जी कैली का। तूफानी बेगवा, कटली पापी के मौरिया चला के तेगवा, उठाए के तलवार जब मरली है पापी के गर्दन पर, गर्दनिया गिर गई जमीनिया पर लागल नाचे। तो कवि जी के लिखे का पड़ल, मरा युद्ध में अधम अनहारी लगल आग बुझ गई ली, मार के पापी सीता जी अरे राम पास में आई ली। जीतली काली बनी समरिया चला के तेगावा, गए विभीषण लंकापुर में दुश्मन का हुआ किनारा। अरे छोड़ रूप काली का सीता असली रूप समारा, तब पूजली रघुबर के पयरिया चला के तेगावा। आखिर बद्ध कही के सीता जी फिर असली रूप में आ गई ली। आ जब असली रूप में आ गई तो हमरे बिरहा के आखिरी लाइन कवि जी खानदान के परिचय में लिखते हैं क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश नारी है सदा महान।